अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम मिश्रा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर टू, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड वॉर टू 1939 से लेकर 1945 तक, लगभग 6 साल में क्या क्या हुआ, 6 साल से पहले क्या क्या हुआ, क्या क्या कारण थे वर्ल्ड वॉर टू के, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू जो है, जो एक समय लग रहा था कि जर्मनी जीत सकता है, जर्मनी जीत रहा था, और कैसे चेंज हुआ, किस तरीके से अलाइड पावर जीतती हैं, किस तरीके से एक्सिस पावर हारती हैं, उसके बाद क्या इम्पैक्ट रहता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा, काफ़ी चीज़ें हैं ट्रस्ट मी, और काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगा द कॉम्प्रीहेंसिव That what was the reasons and what was the impact। चलिए, और उसका impact आज भी हम देखते हैं, वो भी बताऊंगा कि आज भी इस World War II का impact, इतने साल हो चुके हैं, कैसे आज के समय पर भी उसका impact हम देख रहे हैं। राखी, आरती, अंशु, विनय, सोनू, अनुज, गीतांजलि, संकेत, यशिका, अ वॉर्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं सेशन की, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए। आई एम होपिंग कि ये लगभग जो एक घंटे का लेक्चर होगा, इस एक घंटे में हम वर्ल्ड वॉर टू को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। विशाखा, जय हिंद। सो लेट्स गो अहेड। ये जो बच्चे नए हैं या बाद में देख रहे होंगे, जिनको नहीं पता है, एक करंट अफेयर्स की क्लास रहती है रात को 9 बजे, मंडे टू सैटरडे, डोंट मिस आउट दैट करंट अफेयर क्लास। इस बार के पेपर में आपके करंट अफेयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बकायदा उसको मार्क करके भेजा भी है। थैंक यू अनुज, मिथिलेश, वेलकम। और जो भी अनाउंसमेंट होती है सेशंस को लेकर, कौन कौन से सेशन हो रहे हैं, कितने बजे हो रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको मिलती है। जीएस बाय संदीप बंसल टेलीग्राम चैनल है, वो काइंड ऑफ हमारा नोटिस बोर्ड है जहां पर हम सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम संदीप बंसल, वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टीम निष्ठा। ये बैचेस हैं रिकॉर्डेड बैचेस, एट योर टाइम, एट योर कन्वीनियंस, आप अपने समय पर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। 250 प्लस आवर्स ऑफ लेक्चर्स हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस जिसको हमने कवर किया है इन डिटेल सारे के सारे कोर्सेज को। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आ गया मैं, विवेक भी आ गए हैं, चलिए शुभम स्वागत है। टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉजेज ऑफ वॉर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या था, मतलब 1919 में मोटा मोटा, अगर हम 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि 20 साल के बाद द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भयानक था। भयानक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो नंबर ऑफ डेथ्स थी वो कहीं ज्यादा थी, और इसको टोटल वॉर भी कहा गया। अब ये टोटल वॉर क्या होता है, ठीक है, टोटल वॉर का मतलब होता है कि सब लोग हैं इन्वॉल्व। युद्ध के कुछ नियम हैं कि सिविलियंस पर अटैक नहीं किया जाएगा। इस पर्टिकुलर युद्ध में, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो जो कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो यही था इस वॉर में, मतलब एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। सिविलियंस की डेथ कहीं ज्यादा थी मिलिट्री पर्सनल से, और सिविलियन एरियाज को, बिल्कुल सिटी के कोर एरियाज को, अर्बन एरियाज को, इंडस्ट्रियल एरियाज को, जहां कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, उनको भी टारगेट किया गया, ठीक है। ठीक है जी, ज्यूज के बारे में भी वैसे ब्रीफली मैं डिस्कस तो करूंगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिस्कस कर रहे हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिस्कस करते वक्त हम हॉलोकास्ट के बारे में डिस्कस ना करें, ये नहीं हो सकता, और हॉलोकास्ट डिस्कस करें तो ज्यूज के बारे में डिस्कस ना करें, ये भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, हिरोशिमा, नागासाकी, ये सब डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि कॉजेस क्या थे वॉर के, मतलब क्या सिचुएशन रही, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड था, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा कारण जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेली, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में ट्रीटी ऑफ वर्सेली हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में ये साइन की गई,
अब इसमें क्या होता है कि सारा का सारा जिम्मा या सारा का सारा रीजन, या कहा गया कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है ये जर्मनी की वजह से हुई है, पूरा दारोमदार जर्मनी पर फोड़ दिया, ठीक रहा, उस पर फोड़ दिया। और इस पर जो रेपरेशंस, वॉर रेपरेशंस का मतलब जो फाइन लगाया गया जर्मनी पर, वो अनप्रेसिडेंटेड था। ये कहा जाता है कि आखिरी किश्त 2010 में जाकर दी है, ठीक है। और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जर्मनी जो है इतना पैसा चुका पाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से ये पॉसिबल नहीं था। ये कहा गया कि इट वॉज इक्विवेलेंट टू अ सम ऑफ $33 बिलियन, अ सम सो ग्रेट दैट नो वन एक्सपेक्टेड जर्मनी टू बी एबल टू पे इन फुल। अब इसके बाद क्या होता है, एक कहीं ना कहीं लोगों में, मतलब लोगों में मैं जब कह रहा हूं तो जर्मनी के अलावा, जर्मन्स के अलावा लोगों में भी कहीं ना कहीं जर्मनी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर था। मतलब जब न्यूज़पेपर्स में छपा के जर्मनी को इस तरीके की ट्रीटी साइन करनी पड़ रही है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा। कीन्स ने तो, जो बहुत फेमस जॉन मैनर्ड कीन्स, जो कि बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने तो बाकायदा इसका खंडन किया उस समय पर। इवन फ्रेंच मिलिट्री लीडर ने भी इस सेरेमनी को अटेंड करने से मना कर दिया। यूएस कांग्रेस फेल टू रेटिफाई द ट्रीटी ऑफ वर्सेल। तो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने ट्रीटी साइन करवाई थी उनमें से भी कुछ लोगों ने इस ट्रीटी को मानने से मना कर दिया था कि नहीं, ये हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा रहे हैं जर्मनी पर, जो पैसा पे करना पड़ेगा उनको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। सुरभि तमन्ना, वेलकम। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल कार्टून, देखो अब ये क्या कहा गया, ये कार्टून बड़ा अच्छा डिपिक्ट करता है कि ये वर्सेली ट्रीटी ही थी जिसमें से नाजी पार्टी निकली, जिसमें से हिटलर निकला, या जिसमें से जिस चीज को हिटलर ने बेस बनाया बाद में जाकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। अब ये अच्छा, ये एक दौर ऐसा भी था 1929 से लेकर 1933 तक, यूएस में ग्रेट डिप्रेशन रहा, ठीक है, यूएस में ग्रेट डिप्रेशन रहा। अब इस ग्रेट डिप्रेशन का भी मतलब समझ लीजिए, ग्रेट डिप्रेशन क्यों रहा, ग्रेट डिप्रेशन में, डिप्रेशन का मतलब है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड नहीं है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस समय पर यूएस ने, देखो यूएस की इकॉनमी काफी ग्रो करी 1914 से लेकर 1918 तक, क्योंकि यूएस लगभग 1917 में वॉर में आया था और यूएस की बाउंड्री से बहुत दूर था। यूएस के साथ देखो अच्छी बात क्या रही है, एक तरफ बहुत बड़ा अटलांटिक ओशन है और एक तरफ पैसिफिक ओशन है, तो अगर यूएस पर हमला होगा भी तो आपको पूरा अटलांटिक या पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये ओवर प्रोडक्शन करते हैं, इनको लगा कि यहां प्रोडक्शन है इतनी, पर अब डिमांड कम हो चुकी है, डिमांड कम हो चुकी है, तो यहां पर डिप्रेशन देखने को मिला, मतलब इकोनॉमी रिसेशन में गई, नेगेटिव ग्रोथ रेट, और इसका असर यूरोप की इकोनॉमी पर भी पड़ा। और इसके चलते जो जर्मनी और उसके अलाइड, मतलब उसके जो फ्रेंडली नेशंस थे, उनमें भी आपको इस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशंस देखने को मिली, और इसी में आपको फासिज्म का उदय होते हुए मिलता है। अब ये फासिज्म शब्द क्या है, देखो इसको मुसोलिनी ने कॉइन किया इस टर्म को 1919 में टू डिस्क्राइब हिज पॉलिटिकल मूवमेंट। ये शब्द जो है रोमन फैसिस्ट से लिया गया है एज अ सिंबल, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक बंडल ऑफ रोड्स टाइड अराउंड अ एक्स, इस तरीके से, ये देखो ये कुछ रॉड्स हैं और ये एक्स से जुड़ी हुई है, तो ये शब्द यहां से आया है फासिज्म, ठीक है। कई बार मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता है, फासिज्म शब्द का ही नहीं मतलब पता होता फर्दर ये वर्ड कहां से आया है, तो ये इस शब्द से आया है, और इसका मतलब क्या है जो मैंने आपको फोटो दिखाई। सो दिस इज बंडल ऑफ रॉड्स टाइड विद एन एक्स, तो ये पावर ऑफ रोम दिखा रहा है। अब ये कह रहा है कि जो एब्सोल्यूट पावर होगी स्टेट की, ठीक है, कई बार भारत में भी इस शब्द को यूज किया जाता है कि जी ये पर्टिकुलर सरकार फासिस्ट सरकार हो गई है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सरकार, नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, सारी की सारी सोसाइटी के हर वर्ग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, डिक्टेटर का रूल होगा, डिक्टेटर की एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, कॉरपोरेटिज्म की बात की गई। यहां पर थोड़ा सा
डिफरेंट है, लाइक टेमिंग कैपिटलिज्म, कंट्रोलिंग लेबर एंड फैक्ट्री ओनर्स, के सारा कंट्रोल जो है सेंट्रल लीडरशिप के पास होगा, सेंट्रल लीडर के पास होगा. सो दैट इज द एक्सट्रीम नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, आप इसको कह सकते हैं. ठीक है, हाँ, इनविजिबल हैंड मार्केट फोर्सेस यहां पर नहीं है, कि ये रादर कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात करता है. तो कुल मिला के अब इटली का बेसिक मतलब क्यों ऐसा कहना चाह रहा है, इटली कंट्रोल करना, देखो हर देश ना अपने आसपास के टेरिटरीज को कंट्रोल करना चाहता है. यहां पर ये रहा इटली, इटली कंट्रोल करना चाहता है इथियोपिया को. ठीक है जी, इथियोपिया को कंट्रोल करना चाहता है इस आसपास के एरियाज को. यहां पर लिखा भी हुआ है इटली एंड इट्स कॉलोनीज बिफोर वर्ल्ड वॉर टू आर शोन इन रेड. तो ये उसकी टेरिटरीज हैं इटली और इथियोपिया, और ये उसके आसपास का ट्यूनीशिया वाला इलाका, और ये आप देख सकते हैं इजिप्ट का कुछ इलाका. शो अप्रोक्सीमेट एरियाज ऑक्यूपाइड बिटवीन 1940 टू 1943. तो यहां पर इटली ने अपने यूरोप में अपने आसपास का एरिया कैप्चर किया, और जो उसके पास अफ्रीका में था उसके आसपास का एरिया उसने कैप्चर किया. यहां पर आप इवन देख सकते हैं इथियोपिया के आसपास का एरिया भी इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी. ठीक है जी, नेक्स्ट इसमें आता है रीजन जापानीज एक्सपेंशनिज्म. अब इवन कुछ हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर जो टू थी वो 1937 में ही शुरू हो गई थी, 1939 में नहीं शुरू हुई, कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है. बट इन जनरल 1939 ही माना जाता है, 1 सितंबर 1939. अब मैं 1937 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जापान जो है, पहले थोड़ा जापान की सिचुएशन को समझते हैं. जापान आइलैंड्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. अब यहां पर कुछ चीजों की बहुत भारी कमी है, दैट इज आयरन और कोल, और मॉडर्न इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. अब ये दोनों चीजें जापान को कहां मिल रही हैं, चाइना का ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो मंचूरिया वाला इलाका है, ठीक है, जो मंचूरिया वाला इलाका है इसमें कोल और आयरन की भरमार है. ठीक है, और जापान को अपनी इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए ये चाहिए. जापान में फिशिंग बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर है, बट जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी एक भारी कमी रही है. अब वो ये चाहता है, और कहीं ना कहीं जापान जो है 1905 में क्या होता है, रशिया और जो जापान की वॉर होती है उसमें जापान जीत जाता है और रशिया हार जाता है. तो ये जो एक माइंडसेट था उस समय पर कि यूरोपियंस जो हैं, यूरोपियन जो रेस है वो इनविंसिबल है, उनको हराया नहीं जा सकता, उसको ओवर पावर कर लिया एक छोटे से देश ने. मतलब कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो छोटा देश है रशिया के कंपैरिजन में, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी. तो उन्होंने कैप्चर करा, उनको हराया. तो यहां पर जापान का कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उन्होंने अपनी मिलिट्री पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. अब इसी समय पर जैसे मैंने आपको बोला कि मंचूरिया में इन्होंने इन्वेड किया, कोल और आयरन चाहिए था, और इनको लगा कि जो बढ़ती हुई जापानीज पॉपुलेशन है उनको भी एक एरिया मिल जाएगा. ठीक है, उनको भी एरिया मिलेगा. प्लीज अपने साथ एटलस भी खोल लीजिए. ठीक है, अपने साथ अपना एटलस भी खोल लीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही है. इथियोपिया, ठीक है, दिस इज जो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इथियोपिया, सोमालिया, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला इलाका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को समझिए. ठीक है विवेक, मैंने बकायदा उसमें मैप में बता रहा हूं मैं साथ में. ओके, तो यहां पर फासिज्म का राइज देखा हमने, जापानीज एक्सपेंशनिज्म को देखा. अब जापान को रबर भी चाहिए, ठीक है, रबर चाहिए, मैंने कहा ना नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए. अब यहां पर आपको क्या मिल रहा है, नीदरलैंड्स की कॉलोनी, इंडोनेशिया, डच ईस्ट इंडीज, जहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, या कहें तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, है ना, हम ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ते हैं. तो यहां पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बढ़िया मिलते हैं, यहां पर रबर कल्टीवेशन काफी अच्छी मिलती है. तो अब जापान सोचता है कि हम पूरा का पूरा चाइना की कोस्ट लाइन, जिसमें कि इवन बीजिंग तक को कैप्चर किया गया, और उसके बाद शंघाई, और जो इंडो चाइना रीजन, बेसिकली जो साउथ ईस्ट का रीजन है, ठीक है, बर्मा, थाईलैंड, ठीक है, जो वियतनाम, लाओस वाला एरिया है, मलेशिया, इस पूरे के पूरे एरिया को इवेंचुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान कैप्चर करता है इंपीरियलिस्टिक पावर के रूप में. अल्टीमेटली जापान का रोल यहां पर क्या है, अपनी रिसोर्सेस को, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना.
ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इकोनॉमिक डिप्रेशन में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी उनकी चली गई। ये 1929 से लेकर 1933 तक ब्रॉडली, मतलब जो पीक फेज था इकोनॉमिक डिप्रेशन का, ये उस समय पर है। इसके मुख्य कारण कई सारे हैं। देखिए, एक तो ट्रेड में कमी आई। हर देशों ने क्या किया कि अपने यहां पर अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लेने शुरू कर दिए, इंपोर्ट ड्यूटीज काफी बढ़ा दी। तो जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स थे वो यहां पर जाने बंद हो गए, या कह लीजिए अमेरिका के प्रोडक्ट्स नहीं यूज हो रहे, और अमेरिका में ही इन्होंने क्या कर लिया, ओवर प्रोडक्शन कर दी। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन करी, और इवन बैंक्स ने भी ओवर लीवरेज किया, बहुत ज्यादा पैसा दिया इंडस्ट्री को। स्टॉक मार्केट में जो मैनिपुलेटर्स थे उनको पैसा दिया, क्योंकि ये कहा जाने लगा कि अब अमेरिका का समय आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, और यही कहा गया कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ अब यूएस की रहेगी, बट ऐसा जो फैक्टर्स थे वो अमेरिका के लिए फेवरेबल नहीं थे। तो अब अमेरिका का जो डाउनटर्न जब आया तो यहां पर इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिलता है, और यहां पर सिर्फ अमेरिका में ऑब्वियसली डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं है, ये इसका असर आपको यूरोप में भी मिलता है। तो कुल मिला के हिटलर के लिए ऑलरेडी जर्मन्स ये फील कर रहे हैं कि वर्सेली ट्रीटी में उनके साथ जो है बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट हुआ है, उनके साथ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, प्राइसेस ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, लोगों की नौकरियां, मतलब सारा कुछ जो है यहां पर सिचुएशन नाजी पार्टी के लिए या हिटलर के लिए बहुत आइडल हो गई। अब वो आके कहता है कि मैं आपको बचाऊंगा यहां पर। ठीक है, एंटी कम्युनिज्म एक और रीजन जो आपको यहां पर देखने को मिलता है, वो रशिया में बोल्शेविक पार्टी अक्टूबर 1917 में लेनिन पावर में आ चुका है। जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, कार्ल मार्क्स ने 1848 में कहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देखो इसका जुड़ाव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को 150 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो नुकसान है, या कह लीजिए उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, वो लोगों में और बढ़ चढ़ कर दिख रहे हैं। सोसाइटी में बहुत ज्यादा जो है डिवाइड आ चुका है, इंपीरियलिस्टिक पावर्स ऑल टाइम हाई हैं, क्योंकि हर देश को क्या चाहिए, हर देश को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज लेने हैं दूसरे देश को कैप्चर करके, और अपनी इंडस्ट्रीज को फीड करना है। तो ये चीज पहले ही कार्ल मार्क्स ने कह दी कि जिस तरीके का अगली फेस है कैपिटलिज्म का, प्रॉफिट मोटिव का, तो ये कम्युनिज्म आएगा। ठीक है, और जब आएगा कम्युनिज्म तो भयंकर तरीके से आएगा, और उसका मतलब उसका पहला प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हुआ रशिया में, और रशिया कोई छोटा देश नहीं था, एक बहुत बड़े देश में आपको यहां पर कम्युनिज्म देखने को मिलता है। तो अब ये जो जितने भी देश थे, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये किस लिए लड़ाई कर रहे थे? ये अपने अपने टेरिटरीज को बचाने के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने रिसोर्सेज को, अपने एरियाज को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे थे, और एक तरफ दूसरा देश खड़ा हो जाता है कम्युनिज्म का झंडा लेकर कि नहीं जी ये कैपिटलिज्म खत्म कर देंगे हम। तो यहां पर बाकी देशों को भी डर लगने लगा कि ये मतलब एक बहुत बड़ा थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है। यही हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम डायरेक्ट कोल्ड वॉर में पहुंच गए, शीत युद्ध में पहुंच गए, वो भी बताऊंगा। तो अब यहां पर मतलब जो कम्युनिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास रख रहे थे, उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया में एक नारा दिया कि जितने भी वर्कर्स हैं पूरी दुनिया के, वो इकट्ठे हो जाएं। जैसा कि मार्क्सिस्ट थ्योरी में कहा गया कि जब वर्कर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो वो पावर को बदल देंगे। अब यहां पर एक और पॉइंट है, देखिए इस 20 सालों में अगर मैं 1939 तक कहूं तो 20 सालों में रशिया ने काफी ग्रो किया, मतलब अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ करी, जो बाकी देशों ने शायद 50, 60 या 100 सालों में किया होगा, वो रशिया ने 20-22 साल में करके दिखाया। तो लोगों को लगने लगा कि यस दिस इज द वे, और इसीलिए इवन आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखेंगे कि इंडिया के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा प्रभावित थे, उसकी तरफ टिल्ट थे ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो। चलिए, तो ये हो गया आपका एंटी कम्युनिज्म,
तो कम्युनिज्म, अब देखो यहां पर लिखा है द रेड आइसबर्ग, रेड लाल झंडा है ना, जो क्रांति का प्रतीक माना जाता है। तो यहां पर अंकल सैम बैठे हुए हैं, यूएस का शिप जा रहा है और आगे वो कह रहा है कि देखो किस तरीके से पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, ईस्ट जर्मनी, ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी है। ठीक है, दो फेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो रीजन आता है वो अपीजमेंट आता है। देखो अब क्या होता है कि यूके और फ्रांस ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गए थे, बट उसका नुकसान तो यूके और फ्रांस को हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। यूके ये भी कहा गया कि अब एक्चुअली में वर्ल्ड पावर था ही नहीं, ठीक है, मतलब उसकी पावर जो है बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। पावर दो तीन चीजों से, तीन चीजें मैं हमेशा बोलता हूं, इकोनॉमी, मिलिट्री एंड कल्चरल पावर आप कह सकते हैं, सॉफ्ट पावर जिसको हम कहते हैं। सो यहां पर उनकी जो इकोनॉमिक पावर है वो काफी कम हो चुकी थी। अब हिटलर जो है अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करते जा रहा था और यहां पर यूके और फ्रांस क्या कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि ठीक है यहां पर जाकर हिटलर रुक जाएगा या यहां पर हिटलर मान जाएगा कि ये इतनी ही टेरिटरी मैं लूंगा। मैं बताऊंगा अभी आपको कौन कौन सी उसने टेरिटरी एक्वायर करी। तो ये इस पॉलिसी को पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट भी कहा गया। अब ये जैसे कि अगर आप देखें तो यहां पर जो चैम्बरलिन है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, वो और उन हिटलर, मुसोलिनी, ये सब लोग मिलते हैं और यहां पर जर्मनी क्या कहता है कि ऑस्ट्रिया तो जी देश था ही नहीं, ये तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था और ये आपने इसको अलग से देश बना दिया, ये तो जर्मनी का ही पार्ट होना चाहिए। और एक्चुअली में यहां पर बहुत सारे जर्मन जो थे वो रहते थे और यहां पर एक आर्यन रेस की थ्योरी का भी कंसेप्ट आता है। बेसिकली यूराल माउंटेन्स तक जो है वो आर्यन रेस है, वो सबसे सुपीरियर रेस है, ऐसा नाजीज का या जो हिटलर की पार्टी थी उनका मानना था। ठीक है जी, हिटलर रशिया का वॉर, हिटलर और रशिया का वॉर तो बाद में जाकर आता है, वो बहुत बाद में जाकर आता है। ठीक है, वो बताऊंगा अभी, उससे पहले तो हिटलर का और यूएसएसआर का, ठीक है, या रशिया का कहें, सोवियत रूस का पैक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बीच में पैक्ट था कि मैं पोलैंड पे, वो रुको रुको अभी फिर वो क्रोनोलॉजी गड़बड़ा जाएगी। पहले इन्होंने क्या करा, देखो मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया को एनेक्स किया, ठीक है, अक्टूबर 1938 में इन्होंने सुडेटनलैंड को एनेक्स किया जो कि स्लोवाकिया का ये वाला पार्ट है। यहां पर अगर आप देख सकते हैं मैप को, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं इसको, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन था। अब जर्मनी, हिटलर क्या कह रहा है अपने लोगों को कि मैं जर्मनी की जो खोई हुई साख है वो दोबारा लौटाऊंगा जर्मन्स को, ठीक है, मैं जर्मनी को सुपर पावर बनाऊंगा। तो वो कैसे बनेगी, जब इकॉनमी ग्रो करेगी तो इंडस्ट्रियल रीजन चाहिए, तो इंडस्ट्रियल रीजन को कैप्चर किया गया, ऑस्ट्रिया को कैप्चर किया गया। ठीक है, तो ये अभी अभी सितंबर 1939 नहीं आया है, ये सब कुछ हो गया, ऑस्ट्रिया पर अटैक हो गया, स्लोवाकिया पर हो गया, सब लोग चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, पूरा यूरोप जो है देख रहा है कि ठीक है, मतलब चल रहा है काम। अभी हाँ अभी दिख रहा है मैप पे लिखा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मिलिटरिज्म। तो नाजीज वर डिटरमिंड दैट जर्मनी बी अ मिलिटरिस्ट स्टेट। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी और फ्रांस का जो एरिया था उसको ये कहा गया, मतलब अगर मैं कहूं कि ये फ्रांस है और ये जर्मनी है, तो जर्मनी का यहां पर कुछ एरिया जो है वो डीमिलिटराइज्ड जोन कर दिया गया। डीमिलिटराइज्ड जोन का मतलब कि यहां पर आप मिलिट्री नहीं कर सकते। उसका सिंपल कारण ये था कि कल को फिर जर्मनी कहीं फ्रांस पर अटैक ना कर दे, जिसमें कि हमने, अगर आपको याद हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टू फ्रंट वॉर देखा था, टू फ्रंट वॉर, एक तरफ वो फ्रांस से भी उलझा हुआ था जो कि हमने कहा था स्टेलमेट हो गया, ट्रेंच वॉर हो गया, ट्रेंचेस में सब लोग बैठे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ वो सोवियत रूस से लड़ रहा था, ठीक है, जो कि नुकसान हुआ जर्मनी को, जर्मनी ने दोबारा वही गलती करी, वो देखेंगे अभी। तो मिलिट्रिज्म में हिटलर ने सर्वाइवल स्किल्स पर बहुत फोकस किया, फिजिकल स्ट्रेंथ पर फोकस किया, यंग जो है बहुत लड़कों को भर्ती किया फौज में और ट्रेनिंग दी गई। साइज ऑफ आर्मी जो है, जो 1 लाख था वो 14 लाख पहुंच गया कुछ सालों में, ठीक है, 1 लाख से 14 लाख तक हैड टू, और मेन अंडर 25 हैड टू कैरी आउट कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस कर दी गई 2 साल की,
कॉन्स्क्रिप्शन कहा गया, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1935। एज अ रिजल्ट मोस्ट यंग मैन वर ड्राफ्टेड टू द आर्मी। फ्रॉम 1936 टू 1939 हिटलर आर्म्ड फोर्सेस हेल्प फासिस्ट लीडर्स फ्रांको टू विक्ट्री इन द स्पेनिश सिविल वॉर। तो यहां पर देखो, अभी पोर्चुगीज, पोर्चुगल और स्पेन अभी यहां कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ना इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। उसका भी रीजन बताऊंगा, क्योंकि उनकी लोकेशन थोड़ी सी हटके है, जर्मनी को अपने आसपास का एरिया कैप्चर करना है। इसके अलावा मिलिट्रिज्म में हम देखें जापान की फोर्सेस, देखिए जापान में दो राजा था, ठीक है, बट एक्चुअली में वहां पर मिलिट्री रूल था, या मिलिट्री जो कमांडर्स थे वही रूल कर रहे थे। और यहां पर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि चाइना पर उन्होंने मंचूरिया वाला एरिया कैप्चर किया, धीरे धीरे चाइना के कोस्ट को कैप्चर किया, फिर वो इवन जो इंडो चाइना वाला रीजन है वो भी पहुंचते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी आर्मी को बढ़ा रहा है। अमेरिका की आर्मी 1,74,000 ट्रूप से 1,10,00,000 तक पहुंची, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका की आर्मी में कितना एक्सपेंशन हुआ, मतलब कुल मिला के सब लोग या सब देशों को यह लग रहा था कि वॉर कभी भी हो सकती है, और वॉर की प्रेपरेशन में सब लोग लगे हुए थे। सो इट वॉज, ये हम पीछे के कारण देख रहे हैं अभी, अभी हम एक्चुअल वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुई है, अभी हम इसके कारण देख रहे हैं कि पीछे कहानी क्या चल रही है, ठीक है। और यूएस में कंपैरेटिवली इस वॉर से बचा रहा, यूएस में पूरे 6 साल में लगभग ये कहा गया कि इतनी ही सिविलियन और मिलिट्री डेथ्स हुई। तो आप कहेंगे मतलब 4.5 लाख कम है, जब आप 5 से 8 करोड़ जो है कैजुअलिटीज की बात करते हैं वर्ल्ड वॉर टू में, तो उस केस में 4.5 लाख एक्चुअली बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि यू हैव टू सी द कंपैरिजन, बाकियों के साथ कंपैरिजन में आपको देखना पड़ेगा। सिमिलरली जैपनीज का हमने देखा नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ये कहानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके पीछे जो हिटलर को सारी की सारी सिचुएशन जो है काफी ज्यादा आइडियल मिल रही थी, वहां पर नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े स्तर पर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी हैवी वॉर रेपरेशंस उनको पे करनी पड़ रही हैं, बहुत सारा पैसा जो कमा भी रहे हैं वो डेट में चला जा रहा है, वो वॉर रेपरेशंस में चला जा रहा है। तो सारी की सारी चीजों पर अब देखो, इस इन नेशनलिज्म में एक चीज ध्यान देना, एक चीज है कि हिटलर ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पकड़ा, ज्यूज को, ठीक है, कि ये हैं कारण, ठीक है, इनके कारण जो है हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जर्मन जो है राइज नहीं कर पा रहे हैं। इवन ज्यूज को ये सेपरेट किया गया धीरे धीरे, ठीक है, उनको एक मतलब काइंड ऑफ आर्म बैंड पहनने के लिए कहा गया, उनको अलग किया गया। इस पॉलिसी को एंटी सेमेटिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर हम होलोकॉस्ट के बारे में भी देखेंगे कि होलोकॉस्ट में भी क्या क्या हुआ। ओके, सो स्टैब इन द बैक मिथ, ठीक है, स्टैब इन द बैक मिथ वॉज बिलीव के जर्मन आर्मी डिड नॉट लूज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द बैटल फील्ड बट वॉज इंस्टेड बिट्रेड बाय कम्युनिस्ट सोशलिस्ट एंड ज्यूज ऑन द होम फ्रंट। मतलब ये थ्योरी दी गई कि जर्मन हारे नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मन को मतलब जैसे कहते हैं खंजर घोपा गया है उनके पीठ में, किनके द्वारा, सोशलिस्ट के द्वारा, कम्युनिस्ट के द्वारा और ज्यूज के द्वारा, ठीक है। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एंटी सेमेटिज्म और एंटी कम्युनिज्म की जो भावना है लोगों में वो बढ़ने लगी। नाजी पार्टी जो है पावर में, 1933 में अब हिटलर पावर में आ जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइमलाइन को देखते हैं, ठीक है, टाइमलाइन को। एक्चुअली वॉर 1 सितंबर 1939 में शुरू हुई, बट उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। जापान मंचूरिया में इन्वेड कर चुका है, इटली इन्वेड कॉन्कर्स एनेक्स इथोपिया, ठीक है। अगर आप इथोपिया को देखेंगे, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एरिया है, ठीक है, वहां पर जर्मनी एंड इटली साइन अ ट्रीटी ऑफ कॉपरेशन ऑन अक्टूबर 25। अब जर्मनी और इटली का कॉपरेशन साइन होता है कि एक दूसरे को हम मदद करेंगे, इसको कहा गया रोम बर्लिन एक्सिस, इसीलिए इनको एक्सिस पावर कहा जाता है। बहुत बच्चों को ये क्लियर नहीं है, बहुत लोगों को क्लियर नहीं है एक्सिस पावर क्यों कहा जाता है, बेसिकली ये रोम बर्लिन एक्सिस कहा गया,
ठीक है, रोम बर्लिन एक्सिस, मतलब कि यहां पर जो है आपका बर्लिन और यहां पर मान लीजिए रोम, तो इनको जो कनेक्ट करेंगे इसके आगे हम एक्सपैंड नहीं करने देंगे, ये हमारा एरिया कहलाएगा, ठीक है। देन नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान, अलग से जापान के साथ इनका पैक्ट साइन होता है, एंटी कॉम्युनिटन पैक्ट डायरेक्ट अगेंस्ट द सोवियत यूनियन और इंटरनेशनल कॉम्युनिस्ट मूवमेंट, ठीक है, जापान और जर्मनी साथ, क्योंकि जर्मनी को लग रहा है कि कॉम्युनिस्ट भी सही नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कौन है, आर्यन रेस है। जापान इन्वेट्स चाइना इनिशिएटिंग द वर्ल्ड वॉर टू इन पैसिफिक। जैसे मैंने आपको कहा कि कई सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि वर्ल्ड वॉर टू तो इसी टाइम पे शुरू हो गई थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू सितंबर 1939 में नहीं शुरू हुई है। उसके बाद जर्मनी इनकॉर्पोरेट करता है ऑस्ट्रेलिया और सॉरी ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया को इनका ये मानना है कि ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना है, था ही नहीं, ये तो जर्मन ही रहते हैं यहां पर, ठीक है, इसमें जर्मन ही रहते हैं। कोई पार्ट मिस हो गया बता दीजिएगा, तो वरना अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सितंबर 30, 1938, हिटलर, चैम्बरलेन यूके से, फ्रांस और इटली, तो चार देश हो गए, ये मिलते हैं म्यूनिक में, जर्मनी में, और हिटलर कहता है कि देखो ऐसा है, आप हमें चेकोस्लोवाकिया का ये जो रीजन है सुडेटेनन लैंड, ये हमें लेने दीजिए, ठीक है, सुडेटेन लैंड हमें लेने दीजिए, चेक जो है वर नॉट प्रेजेंट। अब चेकोस्लोवाकिया का एक रीजन जो है वो देना है जर्मनी को, और चेकोस्लोवाकिया को नहीं बुलाया गया। वहां पर कौन कौन है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। और अब चेकोस्लोवाकिया को क्या लग रहा है कि हमें, अगर मैं कल को प्रोटेस्ट भी करूंगा तो जर्मन जर्मनी की आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि हमें तो वो मतलब खत्म कर देंगे, तो वो चुपचाप एक्सेप्ट भी कर लेता है वो, मतलब उसको प्रोटेस्ट भी नहीं करता वो। और हिटलर एश्योर करता है कि ठीक है, बस हम इतना इतना सा ही लैंड लेंगे चेकोस्लोवाकिया का, और कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। और चेम्बरलेन क्या करते हैं, इंग्लैंड वापस आ जाते हैं, हिटलर का एक पेपर है साइन किया हुआ जिसमें कहा गया कि नहीं बस इतना ही लैंड लिया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। उसको लग रहा है ठीक है, अब हिटलर जो है थोड़ा शांत हो जाएगा, ठीक है, अभी अभी कुछ नहीं होगा। ओके, सो अंडर जर्मन प्रेशर, अब जो स्लोवाक, देखो आज के समय पर अगर आप देखेंगे चेकोस्लोवाकिया कोई देश नहीं है, एक चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया अलग है। तो स्लोवाकिया, जो स्लोवाक लोग हैं वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं डिस्पाइट द एश्योरेंस गिवन बाय हिटलर इन द ट्रीटी ऑफ म्यूनिक, वो जो है चेकोस्लोवाकिया का कुछ पोर्शन फिर कैप्चर करता है। अभी भी चुप है, अभी भी मार्च 1939 आया है, अभी भी सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी वाला हो जाएगा कि सर्बिया सर्बियंस के कारण जो है पूरी की पूरी वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था, मतलब स्टार्टिंग ट्रिगर पॉइंट था वो, तो अब हम ये नहीं करेंगे कि छोटा देश अगर उसकी टेरिटरी जा भी रही है तो ठीक है, फॉर वो कहते ना ग्रेटर पीस के लिए, ग्रेटर गुड के लिए, इसी को पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहा गया, ठीक है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहा गया। अब ये देखते हुए पोलैंड डरा हुआ है, ठीक है, पोलैंड डरा हुआ है, पोलैंड को ब्रिटेन और फ्रांस कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, अगर यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो हमने चलिए सहन कर लिया, अगर आप पर अटैक किया ना तो हम आप पर मतलब हम आपकी मदद में उतरेंगे फिर। अब इसमें आगे अप्रैल में क्या होता है, फासिस्ट इटली अल्बानिया पर अटैक करता है, छोटा सा देश है, मैप में आप देखेंगे अल्बानिया पर अटैक करता है अगस्त 23 को हिटलर और स्टालिन। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अभी समवन वाज आस्किंग के जर्मनी ने यूएसएसआर पर या सोवियत रूस पर हमला किया, नहीं जी, पहले तो जर्मनी और सोवियत रूस में एक पैक्ट साइन हुआ, ये पैक्ट साइन हुआ कि मैं इधर से पोलैंड में अटैक करूंगा, ठीक है, ये जर्मनी है, ठीक है, इधर बीच में पोलैंड है और इधर है यूएसएसआर, ठीक है, हम इधर से अटैक करेंगे, आप इधर से अटैक करना, पोलैंड को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, आधा आप रख लेना आधा हम रखेंगे, ठीक है, तो ये एक सीक्रेट पैक्ट साइन हुआ 23 अगस्त 1939 को, लगभग 7-8 दिन बाद जो है जर्मनी इन्वेड कर देता है पोलैंड को, और जर्मनी को यूके कहता है कि भाई साहब हम आपको
3 सितंबर सुबह 11 बजे का समय दे रहे हैं, वापस कर लो अपनी फोर्सेस, ठीक है, वापस कर लो फोर्सेस। अब वो कह रहा है कि मतलब जर्मनी को लग रहा है कि नहीं, यूके ना सिर्फ धमकी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यूके की माली हालत भी ठीक नहीं थी उस समय पर। मतलब धीरे धीरे, मैंने आपको बोला ना, देखो यूके का ना सबसे पीक पीरियड रहा है 1860 से 1910 काल, कहा जाता है जो पीक समय है। तो ये ऑलरेडी डिक्लाइनिंग पावर था यूके, तो अब इसको लगा कि यूके ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, यूके सिर्फ धमका रहा है। बट बिल्कुल अब जर्मनी की फोर्सेस नहीं रुकी, वो तो मतलब 1-1.5 दिन में काफी आगे बढ़ रही हैं। अब फाइनली जैसे ही 11 बजे यूके ने कह दिया कि हम भी इस वॉर में शामिल हो चुके हैं, ठीक है जी। तो यहां पर प्रॉपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हो गया, ऑफिशियली शुरू हो गया, क्योंकि अब जर्मनी, पोलैंड, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस सब शामिल हो चुके हैं, यूएसए शामिल नहीं है। यूएसए कह रहा है कि ये यूरोप की लड़ाई है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप आपस में लड़ रहे हैं। समझ आ रहा है या नहीं? इफ आई एम गोइंग इनटू टू मच डिटेल, प्लीज मेरे को बता देना, बट इंटरेस्टिंग है ये कहानी, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे इवेंट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये इवेंट्स कनेक्टेड है। सोवियत यूनियन इन्वेड्स पोलैंड फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, अभी तक जर्मनी और सोवियत यूनियन में चल रहा है बढ़िया से मित्रता, उनको लग रहा है बीच में पोलैंड, पोलैंड को जो है, ये देखो ये पोलैंड है, इधर से जर्मनी अटैक करता है, ठीक है, इधर से ये लोग अटैक करते हैं सोवियत यूनियन, इसको बीच में बिल्कुल हाफ कर लेंगे ये लोग, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से बेहाल नहीं था, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से बेहाल नहीं था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत खर्चा कर चुका था, एंग्लो अफगान वॉर में बहुत सारे, देखो दुनिया में बहुत सारी टेरिटरीज थी, इतनी सारी टेरिटरीज को मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, चलो गुड। अब आगे क्या होता है, जो पोलैंड की कैपिटल वॉर्सॉ, वो सरेंडर कर देते हैं, ठीक है जी। पोलिश गवर्नमेंट, जो वहां की सरकार थी, वो छुप छुपाते हुए भाग के आ जाती है रोमानिया में, और जर्मनी और सोवियत यूनियन बहुत खुश, पोलैंड के ये दो हिस्से, आधा तुमने रखा आधा हमने रखा, दोनों का बढ़िया काम चल रहा है। अब यहां पर सोवियत यूनियन क्या करता है, फिनलैंड को भी कैप्चर करने की कोशिश करता है। देखो फिनलैंड को अगर आप देखोगे, तो ये आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और यहां पर आपको रशिया मिलता है, ठीक है, आज का, तो यहां की वो कोस्ट को कैप्चर करना चाहता है, ठीक है, यहां की कोस्ट को कैप्चर करना चाहता है। सो ये इसको विंटर वॉर कहा गया। फिंस, स्यूफ और आर्मिस्टिस हैव टू सीड द नदरन शोर्स, ठीक है, उनको नदरन वाली टेरिटरी जो है रशिया को देनी पड़ती है, क्योंकि रशिया का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पोलैंड आ चुका है, इनको लग रहा है कि पोलैंड तो आ ही गया, और ऊपर हम फिनलैंड की टेरिटरी को भी कैप्चर कर लेते हैं। फिनलैंडाइजेशन, यस, वो हमने अभी रिसेंटली हमने पढ़ा भी है, फिनलैंड अब नाटो का मेंबर बन चुका है। देखो ये आज की हिस्ट्री, जो आज बिल्कुल कंटेम्प्रेरी हम न्यूज पढ़ रहे हैं, उसके साथ भी कनेक्ट हो गई चीजें, क्योंकि ये इनका इंपैक्ट आज भी है। ओके, ठीक है जी। हिटलर इन्वेडेड एंड ऑक्यूपेड। अब हिटलर क्या करता है, हिटलर सीधा यूके या फ्रांस पर हमला नहीं करता, अब वो आसपास के, ये ईस्टर्न पार्ट कैप्चर कर लिया, ठीक है, ये देखो ये ईस्टर्न पार्ट कैप्चर कर लिया, पोलैंड आ गया अपने हाथ में। अब ये क्या करता है, वेस्ट की तरफ बढ़ता है, वेस्ट में भी ये अगर देखें तो मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ता है, ठीक है, यहां पर फ्रांस की तरफ नहीं आता पहले, ये क्या करता है, डेनमार्क को और नॉर्वे, डेनमार्क को तो मतलब ऐसा कैप्चर करता है कि गया और कैप्चर कर लिया, ठीक है, डेनमार्क तो बिल्कुल सरेंडर्स ऑन द डे ऑफ द अटैक, मतलब जिस दिन अटैक किया उसी दिन डेनमार्क सरेंडर कर देता है, और नॉर्वे जो है कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक उसको रोक के रखता है, अप्रैल से लेकर मतलब मोटा मोटा 2 महीने, ठीक है, मोटा मोटा 2 महीने उसको रोक के रखता है, 2 महीने में नॉर्वे भी कैप्चर कर लेता है। और इस थ्योरी को क्या कहा गया, इस ब्लिट्सक्रिग। अब देखो ये ब्लिट्सक्रिग बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, ये उस समय पर यूज किया गया, जर्मन शब्द है। ये क्या कहता है कि बहुत स्पीड से अटैक करना, ठीक है, आपने अच्छा वो मूवी देखी है, बॉर्डर पिक्चर तो देखी है, बॉर्डर पिक्चर में वो बड़ा फेमस डायलॉग है कि सुबह का नाश्ता जोधपुर में करेंगे, दोपहर का जयपुर में, और रात का दिल्ली में, है ना, तो
जब वो सनी देओल पूछता है कि क्या क्या प्लान है तुम्हारी फोर्स का, तो कहता है मैं तो सिपाही हूं, मेरे को तो इतना ही पता है। तो बेसिकली वो क्या शो करना चाह रहा है कि ऐसा अटैक करेंगे ना, मतलब एक ही दिन में पूरा कैप्चर कर लेंगे, एक ही दिन में दिल्ली पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो अटैक करने की पॉलिसी थी ना, ये जर्मन से आई थी, ठीक है। इसको बोला जाता है ब्लिट्सक्रिग, मतलब इतनी स्पीड से अटैक करना ना कि सामने की जो आर्मी है या सामने की जो फोर्सेस है उनको समझ ही ना आए कि हुआ क्या, ठीक है। ओके, तो अब इन्होंने एक्चुअली ये वर्ल्ड वॉर वन में नहीं था। वर्ल्ड वॉर वन में क्या था, ट्रेंचेस खोद के बैठे हैं, वो जाता है फायर करता है, फिर छुप जाता है, फिर फायर कर रहा है, स्टेलमेट हो गया था, है ना। हमने ये पढ़ा ना, फ्रांस के साथ उनका स्टेलमेट था। तो ये बिल्कुल जो ट्रेंच वॉरफेयर था बिल्कुल उसके ओपोजिट था। ट्रेंच वॉरफेयर धीरे धीरे था और ये बिल्कुल अटैकिंग पेस पे काम करना, ठीक है। चलिए, सो रॉटरडैम वॉज नीदरलैंड पर हमला किया ऑलमोस्ट टू एक्सटेंट, रॉटरडैम को बिल्कुल तबाह कर दिया। बोथ द कंट्रीज वर ऑक्यूपाइड, तो नीदर हॉलैंड जो कि आज के समय पर हम नीदरलैंड बोलते हैं, बेल्जियम। तो आप देखो कि डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, छोटे छोटे जो देश हैं वेस्टर्न यूरोप में, अगर आप नॉर्थ वेस्ट यूरोप में देखेंगे, इन सब सबको क्या कर लिया हिटलर ने, कैप्चर कर लिया। तो हिटलर अभी बिल्कुल जबरदस्त पेस में चल रहा है। ओके, अब यूके में एक पॉलिटिकल क्राइसिस होता है। यूके में मतलब यूके के लोग कहते हैं, मतलब वहां के प्राइम मिनिस्टर पर इतना प्रेशर आ जाता है कि कर क्या रहे हो आप, ये तो मतलब जर्मनी तो एक्सपैंड करता जा रहा है, मतलब देश के देश कैप्चर करता जा रहा है। अब आते हैं विंस्टर चर्चिल, ठीक है। अब ये इनको रिजाइन करना पड़ता है, विंस्टर चर्चिल, वॉर टाइम कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है। और ये जो वॉर टाइम कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, इसमें दो जो वहां की मुख्य पार्टी हैं दोनों सपोर्ट करती हैं कि अब युद्ध का समय है, ये आपस में लड़ने का समय नहीं है, हमें जो है विंस्टर चर्चिल को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये विंस्टर चर्चिल यहां पर पावर में आते हैं। ओके, नाउ इटली एंटर्स द वॉर, इटली इन्वेड्स सदरन फ्रांस। अब इटली जो है सदरन फ्रांस को कैप्चर करने की कोशिश करता है, अगेन अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहता है। मान लो ये इटली है, तो ये वाले रीजन में जो फ्रांस अगर यहां पर है, तो ये वाला रीजन वो कैप्चर करना चाहता है। सोवियत यूनियन फोर्सेस रोमानिया टू सीड द ईस्टर्न प्रोविंस। रोमानिया अगर आप देखोगे तो यहां पर जो उसका ईस्टर्न प्रोविंस है, सोवियत यूनियन कह रहा है कि ये हमें दो। जैसे आज के समय पर यूक्रेन का ईस्टर्न प्रोविंस ही है ना, डॉनबास वाला रीजन जो कहीं ना कहीं रशिया कैप्चर करना चाहता है, इंडस्ट्रियल रीजन है, सिमिलरली तो रोमानिया का ईस्टर्न पार्ट। अब बाल्टिक स्टेट्स पर, बाल्टिक स्टेट्स में तीन आती हैं, हाँ जी, इस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, इनको कैप्चर किया जाता है। और उसके बाद बैटल ऑफ ब्रिटेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर ये पहली ऐसी वॉर होती है जुलाई से लेकर अक्टूबर 1940 तक जिसमें कि नाजी जर्मनी की हार होती, मतलब पहली वॉर है, पहली एक साल में पहली बार ऐसा होता है कि जर्मनी जर्मन फोर्सेस हारती हैं। अब ये बैटल ऑफ ब्रिटेन क्या था कि यहाँ पर जो जर्मनी की एयर फोर्स है, ठीक है, जर्मनी की जो एयर फोर्स है उसका एक टेक्निकल नेम है लुफ्तात्सा करके, बट यहाँ पर हमें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी की एयरफोर्स जो है वो संख्या में भी बहुत ज़्यादा थी और वो बिल्कुल अटैक करती है ब्रिटेन पर ब्रिटेन की एयरफोर्स उसका जवाब देती है। कम नंबर्स में होते हुए भी वो जर्मन फोर्सेस को हराने में कामयाब होती है। तो इससे दो चीजें होती हैं, एक तो जो अलाइड पावर्स हैं इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जर्मनी को हराया जा सकता है, दूसरा चर्चिल की भी थोड़ी सी इज्जत बढ़ती है। चर्चिल की मतलब अभी तक क्या हो रहा था, जर्मनी जीतता जा रहा था, तो पहली वॉर ऐसी थी जिसमें जर्मनी हारा, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो ये इनको लगा कि नहीं अब हम जर्मनी को हरा सकते हैं। ओके, अब जर्मनी और इटली डिसीजन डिस्कस करते हैं। रोमानिया और हंगरी, ईस्टर्न जो वाला पार्ट है, ईस्टर्न यूरोप, ठीक है ना, ईस्टर्न यूरोप को कैसे अपने पास रखा जाए, ईस्टर्न यूरोप में किस तरीके की टेरिटरीज को आपस में बांटा जाए। अब इटालियंस जो हैं, ब्रिटिश कंट्रोल इजिप्ट, अब जस्ट मेडिट यहां पर इटली है, ठीक है, हाँ ये है आपका बैटल ऑफ ब्रिटेन। देखो बैटल ऑफ ब्रिटेन में इन्होंने कैप्चर किस तरीके से अटैक किया, ठीक है, मतलब मल्टीपल लेवल्स पर अटैक किया यहाँ पर। ठीक है, इटली अगर आप देखेंगे यहां पर मेडिटेरेनियन सी है
और मेडिटेरेनियन सी पे यहां पर आपको मिलता है इजिप्ट, है ना, सुएज कैनाल, वेरी फेमस सुएज कैनाल। तो इसको कैप्चर करना चाहता है कंट्रोल्ड इजिप्ट फ्रॉम इटालियन कंट्रोल्ड लीबिया। सो इटालियंस इन्वेड ब्रिटिश कंट्रोल इजिप्ट फ्रॉम द इटालियन कंट्रोल्ड लीबिया। लीबिया से वो पहुंचते हैं इजिप्ट में, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया भी था कि लीबिया में कंट्रोल था और यहां पर ये जो इजिप्ट का पार्ट है, इजिप्ट का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर अभी तक जो डील हुई थी वो जर्मनी और जापान की हुई थी, जर्मनी और इटली की हुई थी। तो अब जर्मनी, इटली और जापान मिलकर एक पैक्ट साइन कर लेते हैं जिसको ट्रिपेटाइट पैक्ट कहा गया। ट्रिपेटाइट का मतलब तीन पार्टी है, जिसमें ट्राई मतलब तीन, पार्टी तीन पार्टीज है। अब आगे चलते हैं, सितंबर 27, 1940, जर्मनी, ये डिस्कस कर लिया, इटली इन्वेड्स ग्रीस फ्रॉम अल्बानिया। अल्बानिया पहले ही कैप्चर कर चुका है, अब ग्रीस में भी पहुंच गया। उस तरफ स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया ने एक्सिस पावर को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये जो कंट्रीज, क्योंकि स्लोवाकिया को अलग होने के लिए किसने कहा था, जर्मनी ने, तो ये प्रैक्टिकली जर्मन्स के फेवर में थे। और यहां पर जो ये बाद में चलकर जो यूएसएसआर का पार्ट बनी, ठीक है, जो कि आज के समय पर कहीं ना कहीं नाटो का पार्ट है। एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम हो रही है रशिया को आज के समय पर। एनीवेज, अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस समय पर बात करते हैं। तो ये एक्सिस पावर में जाकर मिल, एक्सिस पावर मतलब जर्मनी के साथ मिल जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ओके, बुल्गारिया ज्वाइन करता है एक्सिस को, ये छोटे छोटे देश भी इनके साथ मिल जाते हैं। ये आपका ठीक है, मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, ये हो रहे हैं आपके, क्रोशिया हो गया, उसके बाद नाजी जर्मनी एक्सिस पार्टनर जो है, ये पॉइंट रहा, ठीक है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर, ये टर्निंग पॉइंट है। रीजन क्या रहा मेन जर्मनी की हार का? देखो, जर्मनी की हार का ये मेन रीजन ये रहा कि ब्रिटेन को अब यूएस सप्लाईज सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, यूएस जो है पीछे से सपोर्ट कर रहा है, नॉट फिजिकली सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब अपने फौज को भेज के नहीं कर रहा, मेन और मटेरियल की सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उनके पास रिसोर्सेज हो गए अब, ठीक है, ज्यादा, और उनको एक इक्विपमेंट था, मैं अभी आपको बताऊंगा अभी उसका, गीतांजलि, जब हम इंपैक्ट करेंगे, ठीक है, एक इक्विपमेंट था जो कि बहुत छोटा इक्विपमेंट था, जिसमें माइक्रोवेव्स यूज की गई, ठीक है, और इससे आपको वो एक रडार के रूप में यूज हुआ। तो जो अपकमिंग जर्मन एयरक्राफ्ट थे उनके बारे में आपको पता लगने लग गया, और आप उनके अटैक को, मतलब देखो, अगर आपको ये पता लगे कि सामने से फोर्स अटैक करने वाली है तो आप प्रिपेयर हो जाओगे, तो ऑब्वियसली आप बेटर तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर सकोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन पीछे से कर रहा है, यूएस सपोर्ट कर रहा है, जो आज के समय पर उसी टेक्नोलॉजी को हम माइक्रोवेव अवन में यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हैं, वो बाद में जाकर सिविलियन एप्लीकेशन पे भी यूज हुई, जैसे आज के समय पर हम ड्रोन्स की बात करते हैं कि सिविलियन एप्लीकेशन भी है, ठीक है। तो वो मैं इक्विपमेंट आपको आगे दिखाऊंगा, फोटो वोटो दिखाऊंगा, तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो दैट वॉज द रीजन। ओके, आएगा, सारा कुछ आएगा। थोड़ा सा सेशन आज मेरे को लग रहा है बड़ा हो गया, क्योंकि बहुत सारी इवेंट्स हैं, सो आई डोंट वांट कि आपको एक ही में सारी चीजें समझ आ जाए, ठीक है। अब नाजी, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहा, ठीक है, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था। अब नाजी जर्मनी ने क्या सोचा कि हम ना सोवियत यूनियन पर अटैक करते, ऐसा। अब एक्चुअली जर्मनी ने वही गलती कर दी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करी, ठीक है, अगर ये नहीं करता तो शायद कुछ रुख और होता वर्ल्ड वॉर टू का। अब जर्मनी ने अब जर्मनी का ना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका, उसको लग रहा है कि डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, मतलब मैंने ऐसे बिल्कुल ऐसे कैप्चर किए हैं जैसे गए और कैप्चर करके आ गए, और बाकी जो बुल्गारिया, रोमानिया, ये सब हमारे साथ मिल चुके हैं, ठीक है, क्रोशिया सब मिल चुके हैं, स्लोवाकिया, सोवियत यूनियन में अटैक करते हैं। अब इसका रीजन क्या था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मतलब सीधा सीधा ये कहते थे कि हम एंटी कम्युनिस्ट भी हैं, और जर्मनी का जापान के साथ पैक्ट था कि कम्युनिस्ट से हम साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे, तो जापान दूसरी साइड में बैठा हुआ है,
है ना पैसिफिक ओशन में। तो जर्मनी ने इधर से सोवियत यूनियन पर अटैक किया। अब क्या हुआ कि यहां पर फिनलैंड ने, फिनलैंड किससे सताया हुआ है, सोवियत रूस से, उसका मेन दुश्मन कौन है, सोवियत रूस, तो वो भी जर्मनी के साथ मिल गया, वो भी एक्सिस पावर के साथ मिल गया। बट यहां पर यूएसएसआर की फोर्सेस ने, सोवियत रूस की फोर्सेस ने क्या किया कि इनको रोक के रख लिया। और अब ये देखो, यहां इसके बाद आखिर में आ जाती हैं सर्दियां, विंटर्स, और रशियन विंटर्स नो नीड टू से मतलब वन ऑफ द हार्शेस्ट, और इनको रशियंस ही झेल सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। इसने जो है -30 डिग्री सेल्सियस में लड़ाई जो हुई, लगभग -25 -30 में, जर्मन फोर्सेस टिक नहीं पाई यहां पर, ठीक है, और ये इनके लिए सबसे बड़ा नुकसान रहा। तो इन्होंने कुछ चीज कैप्चर करी, जैसे कि लेनिनग्राड है, लेनिनग्राड जो कि आज का सेंट पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग है, बहुत फेमस शहर है रशिया का। तो सेंट पीटर्सबर्ग पर इन्होंने मतलब इसको वो कर लिया था, सीज कर लिया था, सीज करने का मतलब घेरेबंदी कर ली थी उसकी, और वहां पर सप्लाईज भी नहीं जाने दे रहे थे। ये कहा गया कि बहुत सारे लोग तो भूखमरी की वजह से मरे, क्योंकि उन तक जो बेसिक राशन था वही नहीं पहुंच पाया, और इवेंचुअली लोग डाई कर गए, मर गए, ठीक है। और बट यहां पर रूस ने इनको रोक के रखा, सर्दियां आ गई, और सर्दियों में इनका मुकाबला, इनके पास वो मटेरियल ही नहीं था, वो मतलब कह लो रशिया के पास है वो उतनी सर्दी में टिकने का, ठीक है। तो ये हो गया, सो सोवियत काउंटर ऑफेंसिव ड्राइव द जर्मन फ्रॉम द मॉस्को सबर्ब्स इन द क्योटिक रिट्रीट। अब यहां से भाग रहे हैं वापस, ये काफी आगे तक पहुंच गए जर्मन, बट फिर इनको भागना पड़ा वापस। ओके, अब नेक्स्ट इवेंट जो आता है, जापान को लगता है कि अब यूएस इनको मदद करेगा, और इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जापान को कि यूएस हम पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये किसकी हेल्प कर रहा है, जर्मनी की, ठीक है, एक्सिस पावर की। यहां पर इसने अटैक कर दिया है, किसने, जर्मनी ने सोवियत रूस पर, सोवियत रूस पर अटैक कर दिया है। तो प्रीएम्प्टिव अटैक, मतलब पहले से ही कि वो हमें अटैक करें, हम पहले अटैक कर देते हैं। तो जापान अटैक करता है पर्ल हार्बर पर, पर्ल हार्बर बहुत फेमस मूवी भी है, अगर आपने देखी होगी तो पूरा उसमें दिखाया भी गया है किस तरीके से अटैक किया। अगले ही दिन, ठीक है जी, अगले ही दिन जो है पर्ल हार्बर अटैक के अगले ही दिन यूएस डिक्लेयर कर देता है वॉर ऑन जापान, वर्ल्ड वॉर टू में यूएस की भी एंट्री हो जाती है। अब ये कह लीजिए एक्सिस पावर के लिए नुकसान हो गया, सोवियत रूस भी अगेंस्ट हो गया और यूएसए भी अगेंस्ट हो गया, दो हैवीवेट चैंपियन एक साथ आ गए, मतलब वो एक साथ आइडियोलॉजिकल नहीं आए थे, बट कॉमन दुश्मन जर्मनी था और जापान था और इटली था। तो अब यूएस और सोवियत रूस या यूएस और रशिया दोनों साथ में आ गए, ठीक है। तो अब इनका धीरे धीरे आप कह सकते, ऐसा नहीं है कि एकदम जर्मनी भी पीछे हट गया या कह लो कि जर्मनी को नुकसान होने लगा, 43 तक जर्मनी टिका रहा, 43 तक जर्मनी अभी भी जीत रहा था, फिर धीरे धीरे वो रिट्रीट होता है, वो भी देखेंगे। पर कुल मिला के इन कुछ समय में, मतलब इस 6 महीने में, पहले सोवियत रूस अगेंस्ट हुआ, फिर यूएस अगेंस्ट हो गया। ये एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ओके, सो इसके बाद आपका नाजी जर्मनी एक्सिस पार्टनर डिक्लेयर वॉर ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जर्मनी पर जब इन्होंने जापान पर अटैक वॉर डिक्लेयर कर दी, तो ऑब्वियसली जर्मनी ने भी कहा कि हम भी यूएस पर वॉर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ओके, सो ब्रिटिश एंड यूएस नेवीज हॉल्ट जापानीज नेवल एडवांस। अब धीरे धीरे जापान क्या करता है, जापान अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू करता है। जो हमने पहले देखा चाइना में मंचूरिया वाला रीजन तो पहले ही कैप्चर कर चुका है, कोस्टल चाइना, इंडो चाइना वाला जो रीजन है, ठीक है। ओके, अब ये देखो, यूएस ट्रूप्स हॉल्ट जापानीज आइलैंड हॉपिंग एडवांस टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किसकी टेरिटरी है, यूके की टेरिटरी है। कहां पर, सोलोमन आइलैंड्स। आज के समय पर आप सोलोमन आइलैंड्स पढ़ते हैं, समझ आया सोलोमन आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस, क्यों सोलोमन आइलैंड्स में चाइना और जो है यूएस पहुंच रहे हैं, क्यों सोलोमन आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में बैठे हो, ठीक है, कभी भी अटैक कर सकते हो। एनीवेज, सो ब्रिटिश ट्रूप्स डिफीट जर्मन्स इटालियंस इन इजिप्ट, और एक्सिस फोर्सेस को रिट्रीट करना पड़ता है। अब यूएस और ब्रिटिश ट्रूप्स ने
अल्जीरिया मोरक्को, अब ये लड़ाई जो है अफ्रीका में, अफ्रीका एशिया हर जगह चल रही है। एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर टू को कहा जाता है कि सही वर्ल्ड वॉर यही थी कि दुनिया भर में लड़ी गई। वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो बहुत मेजरली यूरोप में थी, बहुत यूरोप सेंट्रिक थी, ठीक है। ओके, सोवियत ट्रूप्स काउंटर अटैक ब्रेकिंग थ्रू द हंगेरियन रोमानियन लाइंस। तो सोवियत ट्रूप्स ने अब काउंटर अटैक करना शुरू किया। अब सोवियत तो छेड़ दिया ना, मतलब बहुत सोया हुआ शेर था सोवियत यूनियन, अब जर्मनी ने उसको अटैक करके। तो अब जो है जो ईस्टर्न यूरोप था, ठीक है, जो ईस्टर्न यूरोप था, जो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए जहां पर बहुत सारे रशियन मूल के लोग भी रहते थे, वहां पर उन्होंने अटैक करना शुरू किया, ठीक है। यूएस ब्रिटिश ट्रूप्स लैंड इन सिसिली, जो कि इटली का पार्ट है। ओके, सो फासिस्ट जो ग्रैंड काउंसिल है उसने मसोलिनी को हटाया पावर से, ठीक है, और जो इटालियन मार्शल पीट्रो बॉडिलिगो टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट, पर ये कुछ ही समय रहा। अब इसको जैसे ही यहाँ पर जर्मन्स ने इटली को कैप्चर किया, इसकी सरकार को हटाया, दोबारा से मसोलिनी को पावर में बिठाया। बट यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इटली भी प्रैक्टिकली जर्मन्स के कंट्रोल में था, जर्मनी की पपेट गवर्नमेंट ही था, ठीक है। सोवियत ट्रूप्स ने कीव को लिबरेट कर लिया, कीव जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, ठीक है, आज के समय पर। ओके, अब ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है, ठीक है। ब्रिटिश एंड यूएस ट्रूप सक्सेसफुली लैंड ऑन नॉर्मेंडी बीचेस ऑफ द फ्रांस ओपनिंग अ सेकेंड फ्रंट, जिसको डी डे कहा जाता है। अगर आपने मूवी देखी हो, ठीक है, दो तीन मूवीज हैं हॉलीवुड की जिसमें कि इस नॉर्मेंडी लैंडिंग को दिखाया गया है बड़े अच्छे से, ठीक है, जिसमें कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि यहां से अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूं इसको, यहां से शिप्स आती हैं और एयरक्राफ्ट से ये क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट से भी लैंडिंग होती है, जैसे वो पैराशूट लैंडिंग, और शिप्स भी पहुंचती हैं, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पर यहां पर अटैक किया जाता है फ्रांस को छुड़ाने के लिए, ठीक है, फ्रांस की जो टेरिटरीज जर्मनी ने कैप्चर कर लिया उसको, इसको कहा गया डी डे इन्वेजन। ओके, हॉलोकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। देखिए, अब यहां पर एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात आती है कि जी हम बहुत सुपीरियर रेस हैं, आर्यन रेस सुपीरियर रेस है। तो जितने भी नॉन जर्मन्स थे, जिसमें मुख्यतः ज्यूज आते हैं, ज्यूज के अलावा जिप्सीज, ठीक है, जिप्सीज जो कह लीजिए मेनली आप कह सकते हैं कि इंडिया या सेंट्रल एशिया वाले रीजन से वहां पहुंचे होंगे, और उसके अलावा आपका रशियंस हैं, बाकी होमोसेक्सुअल्स हैं, हेट्रोसेक्सुअल्स हैं, मतलब जो भी नॉन जर्मन्स हैं, ठीक है, नॉट हेट्रोसेक्सुअल्स, जो भी नॉन जर्मन्स हैं उनको जो है डाला जाता है कंसंट्रेशन कैंप्स में, उनको वहां पर काम कराया जाता है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, उसके बाद गैस चैम्बर्स में, ठीक है, गैस चैम्बर्स में पॉइजनस गैसेस रहती हैं, और ये कहा जाता है कि लगभग, अब ये डाटा बहुत वेरी करता है, अगर आप अलग अलग जगह जाएंगे तो ब्रॉडली अगर देखेंगे तो 50 लाख से 1 करोड़ तक का डाटा आपको मिलता है कि जो है नॉन जर्मन्स को मारा गया, इतने बड़े लेवल पर जो है नरसंहार हुआ, ठीक है जी। ओके, तो यहां पर नॉर्मेंडी बीच पे पहुंच गए हैं ये लोग, नॉन कम्युनिस्ट अंडरग्राउंड इन होम आर्मी राइजेस। अब धीरे धीरे टर्निंग द टाइड्स होने लगा है। अब यहां पर एक सबसे बड़ा जो एक इवेंट था वो ये था कि जर्मनी का एक इक्विपमेंट था, मेरे को कोई कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, जिसको कि डीकोड कर लिया था यूएस ने। तो उसको डीकोड करने से यह हुआ कि जर्मनी की जितनी प्लानिंग थी इनको पहले से पता लग जा रही थी, ठीक है, इनको सारी की सारी प्लानिंग पहले से पता लग जा रही थी, और इस तरीके से ये लोग मतलब प्रीएम्प्टिव अटैक कर पा रहे थे या पहले से ही उसके लिए प्रेपरेशन कर पा रहे थे। तो जर्मनी जहां पहुंच रहा था उसको काउंटर अटैक का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे जो जर्मन फोर्सेस हैं, इटालियन फोर्सेस हैं, क्योंकि अब काफी हैवी वेट्स आ चुके हैं दूसरी तरफ, सोवियत रूस आ चुका है, यूएस आ चुका है, यूके आ चुका है, फ्रांस वाज नो मोर अ पावर, ठीक है, फ्रांस प्रैक्टिकली मतलब यहां पर यूएस और
रशिया और यूके मिलकर जो है इसको बचा रहे थे। इंडियंस का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है इस वॉर में। लगभग कहा जाता है कि 30 से 35 लाख इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी था। ठीक है, ओके। अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं रोमानियन टर्न अराउंड। रोमानिया ने सरेंडर किया, बुल्गारिया ने सरेंडर किया। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे देश हैं ईस्टर्न यूरोप के, नहीं, यू बोट नहीं है। ठीक है, यू बोट तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था। चलो सर्च करोगे, सर्च करके मेरे को बताओ। मैं कुछ थोड़ा बहुत इतनी रिसर्च करके लाया हूं, मैं कम से कम 6-7 घंटे लगे हैं इस चीज को पूरा रिसर्च करने में, मैप्स वैप्स ढूंढने में। ठीक है, तो थोड़ा सा करो, सर्च करो। फिनलैंड कंक्लूड्स सोवियत यूनियन लीविंग द एक्सिस पार्टनरशिप। ठीक है, अब फिनलैंड ने एक्सिस पार्टनरशिप छोड़ दी, क्योंकि फिनलैंड को यूएस और यूके ने समझा लिया कि भाई तुम जर्मनी के साथ मत जाओ, तुम्हें सोवियत यूनियन से प्रॉब्लम थी, सोवियत यूनियन तुम्हारी टेरिटरीज तुम्हें वापस कर देगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके। यूएस ट्रूप्स लैंड इन फिलीपींस, और उसके बाद धीरे धीरे ये जो एरियाज हैं, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मेंडी लैंडिंग्स हैं, उसमें फ्रांस को मतलब बाहर निकाला गया, जो डेनमार्क था, बेल्जियम था, इनको धीरे धीरे उकराया गया। ओके, नेक्स्ट बैटल ऑफ ओकिनावा, कोड नेम्ड एज ऑपरेशन आइसबर्ग, मेजर बैटल था पैसिफिक वॉर में। अब जापान को काउंटर करना था, जर्मनी और इटली को काउंटर कर लिया गया था मोटा मोटा, और यहां पर अब जापान को भी काउंटर करना था। अब ये यहां पर एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल कहा जाता है कि जो अटोमिक बॉम्ब क्यों गिराए गए। ठीक है, अब ये कहा गया कि अगर जापान पर हमला किया जाएगा, फुल स्केल वॉर की जाएगी, तो लगभग 1 से 2 साल लगेंगे और इतने ट्रूप्स की जान जाएगी, बहुत पैसा खर्च होगा। ऐसा कुछ किया जाए जापान के साथ कि जापान खुद ही सरेंडर कर दे, ठीक है, खुद ही सरेंडर कर दे और यहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप एन एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा, यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप एन एटॉमिक बम ऑन नागासाकी। ठीक है जी, ये आपका बॉम्ब्स के नाम क्या क्या थे ये भी पूछा जाता है। ठीक है जी, यस, एनिग्मा कोड यूज टू डिकोड द मैसेजेस, यस यस, एनिग्मा, राखी, वेरी गुड। ठीक है, एनिग्मा, ठीक है, तो एनिग्मा था जो कि जिसको कि डिकोड कर लिया गया था। ठीक है, यस, अच्छा, इसके बीच में अप्रैल 30, 1945 को हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया। ठीक है, हिटलर ने सुसाइड कर लिया। अब ये इसको लेकर भी कहा जाता है कि सुसाइड नहीं किया, कुछ कहते हैं कि जी भाग गया, बट जो एक्सेप्टेड थ्योरी है हिस्टोरियंस के द्वारा वो यही है कि हिटलर ने सुसाइड किया है। ठीक है, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, ऑब्वियसली जब लीडर ने ही सुसाइड कर लिया तो जर्मनी ने वेस्टर्न अलाइज को कर दिया, सरेंडर कर दिया। जर्मनी सरेंडर्स टू द सोवियत, अलाइड ट्रूप्स कॉन्कर ओकिनावा द लास्ट आइलैंड, स्टॉप बिफोर द जापानीज आइलैंड्स। और अब जो है कि एक बार में जापान छोड़ दे, ठीक है, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ठीक है, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, बिल्कुल ठीक। ठीक है, 15 अगस्त 1945 को ये हुआ। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त क्यों चुना गया है, यही रीजन है जी, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश फोर्सेस का कमांडर कौन था, माउंटबेटन, ठीक है जी, लॉर्ड माउंटबेटन था। और इस चीज को कमेमोरेट करने के लिए कि जापान ने इस दिन सरेंडर किया था, इन्होंने 15 अगस्त की डेट ही चुनी कि इंडिया को भी हम आजाद 15 अगस्त को करेंगे, मतलब हमारे लिए हिस्टोरिक दिन था, जापान ने सरेंडर किया था तो हम भी 15 अगस्त को ये करेंगे। ठीक है, चलिए, अब हिरोशिमा और नागासाकी में ये कहा जाता है कि 1,80,000, दोनों में 1,80,000 तो इमीडिएट डेथ हुई है, और आज तक भी वहां पर बहुत सारे बच्चे जो हैं, या के लिए जो लोग पैदा हो रहे हैं वो उनमें डिफॉर्मेशंस हैं, आज तक भी वो इस चीज को फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए,
हाँ मतलब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फोटो बनाया गया कि पीस को लाने के लिए आपने अटोमिक बॉम्ब फेंका है, ठीक है, पीस को लाने के लिए। ओके, याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है कि किस तरीके से पोलैंड का जो मैप है वो चेंज किया जाता है। अब आता हूं पॉजिटिव इंपैक्ट पे और नेगेटिव इंपैक्ट पे। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहे? देखो, पॉजिटिव इंपैक्ट रहे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म। ही गेव हिज ब्लड, विल यू गिव योर्स, के उसने अपनी जान दी देश के लिए, क्या आप जान देंगे। पूरा देश वॉर में था, क्योंकि मैंने आपको शुरुआती दौर में कहा कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ जंग में लड़ाई हो रही है। जहां पर जिन फैक्ट्रीज में फौज के लिए हथियार बन रहे हैं वहां पर भी अटैक हो रहा है, सिविलियंस में पर भी अटैक हो रहा है। तो पूरा का पूरा देश मतलब वॉर में था, ठीक है, इसीलिए सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत बड़े लेवल पर थी। नहीं, अमेरिकन्स को इतनी कैजुअलिटीज होंगी, इतने लंबे समय तक इसका प्रभाव होगा, अब ये कहा जाता है कि उनको शायद नहीं पता था या उसके बारे में, क्योंकि नया नया बॉम्ब आया था। इसीलिए उसके बाद आज 78 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज किया गया है, ठीक है। और जापान तो उसके बाद ये मान के चलिए कि एक फ्रंट रनर है पूरी दुनिया में, जो बार बार ये कहता है कि आप जो है न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में पाम साइज डिवाइस नोन एज कैविटी मैग्नीट्रॉन, ठीक है, ये देखिए, जो आई थिंक गीतांजलि ऊपर पूछ रही थी, तो ये आपका रेजोनेंट कैविटी मैग्नेट्रॉन है। बेसिकली ये बहुत छोटा एक इक्विपमेंट था, आप वेव्स भेजेंगे, माइक्रोवेव्स, ये देख सकते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन, तो आपको पता लग जाएगा कि एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा है। तो ये काफी काफी सक्सेसफुल रहा, ठीक है, इसमें जो जर्मन एयरफोर्स को काउंटर करने में काफी ज्यादा मदद मिली, और यही माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं जो आज के समय पर आप माइक्रोवेव अवन में यूज करते हैं, ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर सिविलियन एप्लीकेशन इसका होता है, ठीक है जी। चलिए, कंप्यूटर्स, ठीक है, सिमिलर टू रडार टेक्नोलॉजी कंप्यूटर डेवलप किए गए। अब ये कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर आज वाला कंप्यूटर नहीं ऑब्वियसली, बट बहुत इनिशियल स्टेज का जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था जितनी भी आर्टिलरी फायरिंग हो रही है उसको कैलकुलेट करना, ठीक है, कि यहां पर अगर हम फायर करेंगे एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर गिरे, ये सारी की सारी चीजें जो हैं फोर्सेस के लिए करी गई। रिसर्च लेबोरेटरी का जो फंक्शन था, प्रोग्रामिंग थी, कैलकुलेशंस थी, वो इस कंप्यूटर्स के थ्रू होने लगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्किन ग्राफ्ट्स, अदर एडवांसेस इन ट्रॉमा ट्रीटमेंट, ठीक है, अगर मान लीजिए मेडिकल सुविधाएं बहुत बड़ी, क्योंकि ये देखा, जैसे मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक नई चीज आई कि पोस्ट ट्रॉमा, बहुत सारे फोर्सेस, सारे फोर्स पर्सनल को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का फेस फेस करना पड़ा, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ, जब आप रॉकेट लॉन्चर फायर करते हैं, लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस, एक दिन 2 दिन तक आपके कान में आपको आवाज सुनाई देगी, टी, मतलब दैट इज सो, यहां रख के जब आप उसको फायर करते हैं। सो अब आप कॉन्टिन्यूसली वॉर में हैं, ठीक है, वहां पर पंप, मतलब तो वो जो ट्रॉमा है उस चीज से, और उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्किन ग्राफ्ट, ये सारी की सारी ट्रीटमेंट डेवलप हुई। एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट, पेंसिलिन का बहुत बड़े स्तर पर यूज होना शुरू हुआ, ठीक है, अटोमिक बॉम्ब्स, बट अटोमिक बॉम्ब्स का नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट इसका पीसफुल यूज कैसे कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, ये भी आपका कि कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन करके हम पीसफुल यूज यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का, ये भी सामने आया, ठीक है, ये भी चीज सामने आई। अमेरिका की इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू, दोनों वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की मतलब खूब जो है ग्रोथ हुई है, 17 मिलियन न्यू सिविलियन जॉब्स क्रिएटेड, 1,70,00,000 जॉब्स क्रिएट हुई अमेरिका के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी 96% बढ़ गई, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स डबल हो गए अमेरिका के, ठीक है जी। बट नाउ वी हैव गॉट ईयर प्लग्स, वो ईयर प्लग्स के साथ चलाने नहीं देते हैं, मेरे ट्रेनिंग में, ठीक
ठीक है, नहीं चलाने देते हैं, थोड़ा आपको एहसास तो हो, हर जगह ईयरप्लग थोड़ा मिलेगा, मतलब होता है, आई कंप्लीटली एग्री, बट ओके। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हेल्प अबाउट ब्रिंग द बिजनेस रिकवरी दैट हैड एल्यूडेड द न्यू डील। तो यहां पर आपको जो मतलब अमेरिका के लिए तो ये कह सकते हैं, अब अभी तक जो ब्लैक्स जिनको वर्कफोर्स में आना अलाउड नहीं था या बहुत मीनियल जॉब्स थी, अब लोग नहीं है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, लोग चाहिए, आ जा भाई तू भी आ जा। ब्लैक्स और वुमेन एंटर द वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, वेजेस इंक्रीज, सेविंग्स बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, और यही सेविंग्स जो है बाद में अमेरिका ने किसको दी, यूरोप को दी, किसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वर्ल्ड बैंक बनता है, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट किसकी, कहां पर वॉर हुई थी, यूरोप में, तो उसकी रिकंस्ट्रक्ट के लिए, तो किसने पैसा दिया, यूएस ने पैसा दिया। तो पहले वॉर में पैसा कमाया, उसमें सेविंग्स हुई, फिर उसी पैसे को लोन पर दिया गया यूरोप को, ठीक है जी। ओके, ये क्लियर हो गया। पब्लिक ओपिनियन भी बदला, वेटरन्स शुड नॉट रिटर्न जॉबलेस टू अ कंट्री विदाउट अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन। तो ये एक चीज आई कि जब 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 वेटरन्स हैं वो वापस आए तो उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको रीसेटल कैसे किया जाए, ये सारी की सारी चीजें जो हैं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जी, वर्ल्ड वॉर टू में ये लाइक 40 से लेकर 46 तक देखिए आप, मल्टीलेटरल कॉपरेशन। ओके, यहां पर आपको यूनाइटेड नेशंस बनता हुआ मिलता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस बना। अब यूनाइटेड नेशंस लीग ऑफ नेशंस जो बना था फेल रहा, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, इसको अबॉलिश कर दिया गया। अब यूनाइटेड नेशंस को लेकर भी कई बार आप सवाल उठाते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट आज भी सर्वे ये कहता है कि मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं इसके फेवर में हैं। देखो, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, बट स्टिल यूनाइटेड नेशंस में रशिया का रिप्रेजेंटेटिव भी पहुंचता है, यूक्रेन का रिप्रेजेंटेटिव भी पहुंचता है, यूएस का रिप्रेजेंटेटिव भी पहुंचता है, चाइना का रिप्रेजेंटेटिव भी पहुंचता है। एटलीस्ट देयर इज सम फोरम जहां पर सब लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पर बातचीत हो रही है, ठीक है, जहां पर कुछ ना कुछ सॉल्व करने की बात चल रही है, पॉजिटिव कॉन्टिन्यू टू बी पॉजिटिव फोर्स इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स। यूएसए को कैसे फायदा हुआ, ठीक है, यूएसए को कैसे फायदा हुआ, डोंट 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 बी अ वेक, किसी काम का नहीं है यूएन, ऐसे आंसर मत लिख देना, नंबर नहीं मिलेंगे, या इंटरव्यू में मत बोल देना, ठीक है, ओके। चलिए, यूएस को फायदा ऐसे हुआ बेटा कि यूएस जो है उसने फुल फ्लेश्ड जो वॉर है वो नहीं की। यूरोप में तो वॉर चल रही है, तो पीछे से प्रोडक्शन कौन कर रहा है, मिलिट्री प्रोडक्शन, जो फूड ग्रीन्स की सप्लाई है, सारी चीजों की सप्लाई कौन कर रहा है, सप्लाई हब कौन बना हुआ है, यूएस बना हुआ है सप्लाई हब, जो आज के समय पर चाइना आप कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हब था उस समय पर, ठीक है जी। अब इसी के बाद आपको कोल्ड वॉर देखने को मिलती है। अब जो अलाइड पावर्स हैं, ठीक है जी, जो अलाइड पावर्स हैं वो उनको याद था, क्या याद था, कि सोवियत रूस जो है ना वो ट्रस्टेड नहीं है, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पहले जर्मनी के साथ था, वो तो जर्मनी ने जब इन पे अटैक किया तो इन्होंने काउंटर अटैक करा और अलाइड पावर के साथ मिले, तो ये डिस्ट्रस्ट, और दूसरा ये कम्युनिस्ट रिजीम थी, ठीक है, कम्युनिस्ट रिजीम थी, तो ये एक डिस्ट्रस्ट का माहौल था, और यूके ऑलरेडी इसके कॉफर्स खाली हो गए थे। इसके बाद यूके फ्रांस जर्मनी की टेरिटरीज डीकॉलोनाइजेशन शुरू हो गया, देश आजाद होने शुरू हो गए। अब बहुत सारे हिस्टोरियंस का एक बुक आप पढ़ना, फरीद जगारिया की बुक है, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है, मतलब उसमें बहुत सारा डाटा दिया है कि इंडिया, मतलब थोड़ा सा आपको पढ़ के वो लगेगा कि उसमें लिखा गया कि फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ज्यादा रोल नहीं था, इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
इट वॉज अ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ यूके, ठीक है, विच लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. मतलब एक व्यू पॉइंट वो भी है कि उनके पास अब उनके बस की नहीं थी इतनी बड़ी टेरिटरी को चलाना, तो दैट इज हाउ दे लेफ्ट इंडिया. एनीवेज, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, वन थ्योरी ऑल्सो. ठीक है, अब कोल्ड कंफ्लिक्ट में जो जर्मनी था, जर्मनी को डिवाइड किया गया, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी. एक्चुअली में इसके चार हिस्से हुए हैं, बट कहने के लिए दो कहे जाते हैं, क्योंकि वेस्ट जो जर्मनी था इसमें भी यूएस का हिस्सा था, यूके का था, फ्रांस का था, बट ये कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, और ईस्ट जर्मनी जो है कम्युनिज्म को फॉलो करता है, ये बन जाता है यूएसएसआर का पार्ट. ठीक है जी, और फिर 1990 में जाकर ये एक साथ होता है, दोबारा जर्मनी यूनिफाई होता है. इवन बर्लिन शहर को डिवाइड कर लिया जाता है और उसमें बनती है बर्लिन वॉल. ठीक है, बर्लिन वॉल. और उसके बाद जो कन्फ्लिक्ट है कोरियन पेनिनसुला को, आज तक कोरियन पेनिनसुला में लड़ाई चल रही है. कोरियन पेनिनसुला का जो नॉर्थ पार्ट है वो नॉर्थ कोरिया कहलाता है, और साउथ पार्ट साउथ कोरिया कहलाता है. साउथ कोरिया को कौन सपोर्ट करता है? यूएस सपोर्ट करता है, कैपिटलिज्म है, इकोनॉमी बहुत ग्रो करी. और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है यूएसएसआर. अब यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, तो तब उसके बाद जो है चाइना ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. ठीक है, चाइना में कम्युनिस्ट रजीम आती है. ठीक है, कम्युनिस्ट रजीम आती है, और चाइना की जो सरकार थी, जो चाइना में सरकार थी, अब चाइना में कम्युनिस्ट रजीम को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाता है सोवियत रूस के द्वारा भी. और चाइना में कह लीजिए जो सरकार थी, जो काईशेंग की जो सरकार थी, वो कहाँ भाग कर जाती है? ताइवान में. ठीक है, ताइवान में. और ताइवान में जो सरकार भाग के जाती है उसका डिस्प्यूट आज भी आप देख रहे हैं. नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का देखो, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में वॉर शुरू हुई थी 1953 में, और वो आज भी चल रही है. सीज फायर है, ऑफिशियली वॉर एंड नहीं हुई है, 70 साल हो गए. और चाइना और ताइवान का इशू इज द मोस्ट हॉटेस्ट इशू कह सकते हैं आप, सबसे ज्यादा हॉट इशू है आज के समय पर. सबसे ज्यादा मतलब जिसको कहा जा रहा है कि अगर वो अटैक होता है तो प्रैक्टिकली थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है. ठीक है, सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का के बाद जो कोल्ड वॉर देखा 45 ईयर्स के लिए, जिसमें कि आर्म्स रेस चला, दोनों पावर्स आमने सामने कभी नहीं आई, बट प्रॉक्सी वॉर चलता रहा. प्रॉक्सी वॉर वियतनाम में चला. ठीक है, वियतनाम में भी यही हुआ, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम. ठीक है, एक तरफ कम्युनिस्ट रजीम, एक तरफ कैपिटलिस्ट रजीम, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ. ठीक है, सेम चीज आप इसके बाद आपको इजराइल बनता हुआ दिखता है. ठीक है जी, इजराइल बनता हुआ 1948 में ज्यूज के लिए अलग से एक देश बनाया गया. ठीक है जी, अब यही आज के समय पर वेस्टर्न नेशंस के बीच में, इजराइल को क्रिएट किया था ब्रिटेन ने, ब्रिटेन पावर नहीं रहा, अब इसको इजराइल को सपोर्ट कौन करता है? यूएसए सपोर्ट करता है. तो यूएसए या जो उसके अलाइज हैं वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं. उनका अरब नेशंस के साथ हमेशा टकराव रहा है. ईरान का तो फॉरेन पॉलिसी ऑफिशियली यही है कि हम इजराइल को खत्म करेंगे. तो जो आज की फॉरेन पॉलिसी हम देख रहे हैं वो काफी हद तक, क्योंकि 75 साल को बहुत ज्यादा समय नहीं है. ठीक है, तो वो आज भी उस फॉरेन पॉलिसी को हम देखते हैं. ताइवान नहीं, चाइनीज साइड पे. ओके, तो ये आज भी हमें देखने को मिल रहा है. इसके अलावा जो वहां उस समय प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, के एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बकायदा ये कह दिया था कि हमने सोवियत यूनियन को कंटेन करना है, रोकना है. इसमें डोमिनो थ्योरी का कंसेप्ट दिया गया. डोमिनो थ्योरी का मतलब कि अगर एक देश कम्युनिज्म में मतलब फॉल करता है तो सराउंडिंग कंट्रीज भी फॉल करेंगी. इसके बाद जो अफगानिस्तान का इशू है आज के समय पर, वो भी इस कोल्ड वॉर का ही नतीजा है. क्योंकि 1979 में जब रशिया या सोवियत रूस कहें अफगानिस्तान में अटैक करता है, तो पाकिस्तान की मदद से यूएस किसको क्रिएट करता है? तालिबान को. वही तालिबान जो बाद में जाकर यूएस पर अटैक करता है, फिर उसको मारने के लिए आता है, फिर उसको भाग के जाता है यूएस, और आज तालिबान की ही सरकार है. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सीन जो है ये वहीं से चल रहा है, कंटिन्यूड चल रहा है.
तो ये था लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा, चीज़ें समझ आई। बच्चे बहुत कम बचे हैं आज के लेक्चर में, सीरियसली मेरे को इस लेक्चर को तैयार करने में टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट आई होप इस लगभग 1 घंटा 20 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट सारे आपको बता दिए हैं। कोरियन वॉर, वॉरसो पैक्ट, नाटो, हाँ सॉरी नाटो बनता है, यस 1949 में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, 15 देशों में बढ़ जाता है सोवियत रूस, और वो जो रशिया यूक्रेन वाली कहानी आज के समय पर देख रहे हैं वो भी इसी का नतीजा है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस तरीके के लेक्चर्स हैं उसके लिए आप फॉलो करें जीएस बाय संदीप बंसल टेलीग्राम चैनल को, जिसपे मैं सेशंस के बारे में बताता रहता हूं। थैंक यू अंशु, यस थैंक यू विनय, आरती, आयुष्मान, शुभम, सोनू, गीतांजलि, ये हैं बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं, आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हैं, अपने टाइम में देख सकते हैं। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर CDS एंड CAPF, जितना डिटेल में हमने इसमें सब्जेक्ट्स को कवर किया है वो आपको नहीं मिलेगा कहीं और। सो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर वेरी थॉरोली फॉर द एग्जामिनेशन, गो फॉर द बैचेस, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट। रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, अब इसके पीछे पूरा कई सारे रीजन है। देखो उसके पीछे ब्रॉडली अगर अब आप पूछा है आपने, तो मैं 1-2 लाइनों में इसका आंसर दे देता हूं। धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हुई, ठीक है, इनोवेशन नहीं है, ठीक है, इनोवेशन नहीं है और रेवेन्यू नहीं है, ग्रोथ नहीं है, पैसा नहीं है, मिलिट्री में एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, टेरिटरी बहुत बड़ी है, ये सारे के सारे कारण रहे, इकोनॉमिक कारण और मिलिट्री कारण बड़े स्तर पर रहे, ठीक है। और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है, जो वेस्टर्न यूरोप है, यूएस है, वो काफी ग्रो करता है 45 सालों में, ठीक है। सर मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, चलिए बहुत थैंक यू आंचल, थैंक यू तमन्ना, चलिए यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। मैंने कोल्ड वॉर भी डिस्कस कर लिया, समबडी वाज टेलिंग मी के सर कोल्ड वॉर कब डिस्कस करोगे, तो कोल्ड वॉर की चीजें भी मोटा मोटा तो डिस्कस कर ही ली, डिटेल में भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं अलग से, ठीक है। और थैंक यू विनय, इसके अलावा जो भी आप सेशन चाहते हैं मेरे को बता दीजिए, सो आई विल ट्राई टू प्रिपेयर दोज लेक्चर्स एंड विल ब्रिंग मोर सच सेशंस, एंड प्लीज डू शेयर एनीवन हु वांट टू नो अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन डिटेल 1.25 घंटे में, तो वो देख सकता है। थैंक यू।